हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारे सामने प्रेजेंट है यहाँ पे ऑल न्यू हीरो ग्लैमर कैनवास एडिशन का ब्लैक और रेड कलर ग्राफिक्स के साथ बाइक। तो आप लोगों फ्रेंड्स, मैंने बोला था कि मैं यहाँ पे आपको इसके जो भी ग्राफिक्स आए हैं वो सभी दिखाने वाला हूँ। तो ये एक फ्रेंड्स यहाँ पे कलर है जिसमें कि आपको ब्लैक और रेड में ग्राफिक्स कंपनी ने ऑफर किया है, और ये भी देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल ही न्यू लुक्स, मतलब एक फ्रेश लुक के साथ बाइक आपको अवेलेबल हुई है। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं ओवरऑल में कि कंपनी ने कहाँ कहाँ पे ग्राफिक्स आपको ऑफर किए हैं, तो सभी आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं। 125 सीसी सेगमेंट में फ्रेंड्स ग्लैमर में आपको अभी काफ़ी सारे मॉडल्स मिल जाते हैं, उसी में से एक बिल्कुल ही न्यू मॉडल है ये कैनवास एडिशन, जो कि अभी फ्रेंड्स सभी शोरूम्स पर धीरे धीरे आनी स्टार्ट हो जा रही है। तो अगर हम बात कर लेते हैं इसके एक शोरूम प्राइस के बारे में, तो लगभग में ये आपको 78,320 रुपीज़ के अप्रॉक्स में मिल जाता है, 78,320 रुपये के अप्रॉक्स में। और यहाँ पे कंपनी जो ग्राफिक्स है वो आपको यहाँ पे फ्रंट में प्रोवाइड कर रही है ब्लैक में रेड के साथ, जो कि काफ़ी अच्छा यहाँ पे फ्रंट लुक बना देता है बाइक का। रिम में यहाँ पे बिल्कुल ही न्यू रिम टेप्स आपको मिल जाते हैं ब्लैक में रेड के साथ, जिसमें कि यहाँ पे ग्लैमर भी जो है वो मेंशन किया हुआ है। बाकी मैं स्टार्टिंग में ही आपको बता देता हूँ, फीचर्स में कुछ भी अपग्रेड नहीं है, बस जो भी है यहाँ ग्राफिक्स में ही अपग्रेड है वो मैं आपको दिखा देता हूँ चारों साइड से, ताकि आपको अच्छे से यहाँ पे इसका जो लुक्स है उसका आइडिया लग पाए। तो ये आप देख रहे होंगे, ये भी यहाँ पे ब्लैक रेड और सिल्वर का जो है वो कॉम्बिनेशन का यूज़ किया गया है। सिल्वर में लोगो मिलता है और ब्लैक में टैंक है, रेड में ग्राफिक्स है। तो ये यहाँ पे फ्रेश लुक प्रोवाइड कर रहा है बाइक को और देखने में अच्छा लग रहा है। ये भी कलर ऑप्शन गोल्डन में भी एक कलर आता है, बाकी यहाँ पे भी आपको ग्राफिक्स जो है वो मिल जाता है। और पीछे का जो पैनल है यहाँ पे फाइबर पार्ट्स, इसमें भी आपको यहाँ पे रेड में ग्राफिक्स कंपनी ऑफर करती है। टेल लाइट सेम यहाँ पे बल्ब में मिलता है एस शेप में, जो कि फ्रेंड्स ये भी मतलब टेल लाइट्स रेड कलर में ही आ रहा है सेम पहले के जैसा। और बॉडी कलर में कंपनी यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल्स प्रोवाइड करती है। और ये अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे राइट हैंड साइड से बाइक को, तो यहाँ पे भी आपको सेम ग्राफिक्स का जो है वो वर्क देखने को मिलता है। तो बाइक में यहाँ पे जो ग्राफिक्स है वो इतने इंस्टॉल किए गए हैं, लगभग में इसके लिए आपको फ्रेंड्स यहाँ पे 1500 से 2000 रुपये जो है वो एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है नॉर्मल अगर आप बिना ग्राफिक्स वाला लेते हैं तो उसके कंपेरिजन में। तो थोड़ा सा यहाँ पे ग्राफिक्स के कारण जो है लुक्स वो अच्छा हो गया है। बाकी यहाँ पे लाइट्स सेम आपको कैनवास एडिशन वाला, सॉरी यहाँ पे एक्सटेक एडिशन वाला ही मिलता है, जिसमें एलईडी में डीआरएल्स और एलईडी में लाइट्स मिलता है। मीटर आपको ग्लैमर वाला मिल जाता है, जो कि एनालॉग प्लस डिजिटल के कॉम्बिनेशन के साथ आता है। और ये जो है ये फुल स्वाइप मारता है ऑन होने के टाइम पर। तो कुछ ऐसे यहाँ पर आपको जो है वो मीटर कंपनी ऑफर करती है। i3s का लाइट, इंजन वाल फंक्शन लाइट, न्यूट्रल का लाइट आपको मिल जाता है, और साइड स्टैंड का सेंसर भी आपको इस बार इसमें ऐड किया गया है, ये आप देख पा रहे होंगे। तो मतलब साइड स्टैंड अगर आपका डाउन रहेगा तो बाइक स्टार्ट नहीं होगी गियर में। तो ये था फ्रेंड्स एक यहाँ पे इस कलर का वॉक राउंड। मैं होप करता हूँ आपके सभी डाउट्स जो है वो क्लियर हो गई हो। तो और भी इसमें अगर कोई कलर आएगा तो मैं आपको इन फ्यूचर में अपडेट कर दूँगा, ताकि आपको बाइक लेने में प्रॉब्लम ना हो।